बादशाह ने ना बाज रखा हुआ था और बड़ा प्यार करता था उससे। अब जो बाज होता है ना, उसके नाखून लंबे हों तो फिर वो शिकार कर सकता है, उसके पर भी थोड़े बड़े बड़े हों तो फिर ही वो सजता है। तो बादशाह ने रखा था, खिलाता था, पिलाता था, प्यार करता था उसके साथ। तो एक दिन वो बाज उड़ गया, बेवफाई कर गया। उसने कहा शायद मैं यहां कैदी हूं। वो उड़ के ना तो एक बूढ़ी खातून के घर में चला गया। तो उस बूढ़ी खातून ने उसे पकड़ा तो बड़ा सख्त प्यार किया उस बूढ़ी ने उससे, खालिस मोहब्बत की। कहने लगे देखो कितनी ज्यादती की है किसी ने, कितने बेचारे के नाखून लंबे लंबे हैं, कभी किसी ने काटे ही नहीं। मोहब्बत की, प्यार किया, मुखलिस थी उसने, कैंची पकड़ी या कोई ऐसा आला जिससे, तो सारे उसके नाखून काट दिए। फिर कहने लगी देखो कितना बेचारे पर बोझ है, इतने इतने बड़े पर हो गए, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि इसके पर काट दिए जाए, जरा सफाई हो जाए। फिर उसने उसके पर काट डाले, उसने प्यार किया। किनार फिर रूमी रो के कहते हैं उस मोहब्बत में पर कट गए, शिकार की सलाहियत चली गई, उसने प्यार किया। लेकिन वो बाज वहां रो पड़ा और रो के कहने लगा मां ये तूने प्यार किया, मुझे नाकारा कर दिया, तो उड़ने वाला हूं मैं तो बैठ सकता ही नहीं, और मुझे बेपर कर दिया तूने, ये प्यार है? मोहब्बत, प्यार, खुलूस, उसमें भी तो काबिलियत और अहलियत की जरूरत है। आरफ़ रूमी कहते हैं फिर वो वहां रोया, रो के कहने लगा काश कभी मेरा मालिक मुझे मिल जाए ना, उसे सलीका आता था मुझे संभालने का, क्या किया मेरे साथ इतना जबर। फरमाते हैं बादशाह ढूंढता ढूंढता आ गया, और जब गली से उस बादशाह ने ढूंढते ढूंढते गुजरा तो उसकी आवाज उस बाज ने सुनी तो वो चीखा,